गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, XSBIPO, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूँ रिगार्डिंग RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स 2020 कट ऑफ। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कल इवनिंग में RBI असिस्टेंट ने प्री के लिए अपना स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है। अब आप जाके अपने स्कोर्स देख सकते हैं। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और काफ़ी मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया था पर स्टिल वी डिडंट गेट थ्रू, कारण क्या हो सकता है। देखिए अब कारण आपके सामने, आप सभी ने अपना स्कोर देख लिया और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है। बहुत स्टूडेंट्स के 90+ स्कोर आए हैं पर स्टिल नॉट सेलेक्टेड, तो अब इसका कारण क्या है और कट ऑफ कब तक देख सकते हैं, कब तक कट ऑफ आ सकती है और अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अब ये जो रिजल्ट आया है इससे क्या पॉजिटिव्स लेने हैं, क्या क्या नेगेटिव्स रहेंगे, इसके सारी बातें करेंगे। पर जल्दी से वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यार जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और जो सब्सक्रिप्शन बटन के पास बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं जो स्कोर्स आए हैं आपके। काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं यार, मैंने कमेंट्स में देखे हैं 90+, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है पर स्टिल नॉट सेलेक्टेड। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्कोर बहुत अच्छा किया है पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही हैं, मेजोरिटी जो परेशान हो रही है, जो मेजोरिटी जो सेक्शन है, जो स्टूडेंट्स परेशान है, जिनके कम आए हैं वो तो कुछ नहीं बोल रहे, उनको पता ही है कि कम आए हैं, पर जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं पर स्टिल नॉट सेलेक्टेड वो थोड़े से परेशान है कि सर ये क्या बात हुई, इतना स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अब यार आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है टोटल कितनी वैकेंसीज थी, 800-900 के अराउंड वैकेंसीज थी, बहुत कम वैकेंसीज थी यार। अब आपके पर्टिकुलर स्टेट से मान लीजिए कितनी वैकेंसी होगी, कम ही वैकेंसी रही होगी, 200-300 बच्चे मुश्किल से सेलेक्ट किए गएंगे। अब यार 200-300 में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और आपको भी पता है प्री का लेवल क्या था, RBI असिस्टेंट प्री का लेवल क्या था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। हमारे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95 या उससे प्लस स्कोर किया है और उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, पर ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 या 90+ स्कोर किया है पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उल्टा मेरा मानना है कि आपको इस स्कोर से कॉन्फिडेंस डिराइव करना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं दोस्तों, क्योंकि RBI असिस्टेंट में वैकेंसीज कम थी तो आपका जितने स्टूडेंट्स को इनको रिक्वायरमेंट है उनमें नाम नहीं आ पाया, पर आने वाले जो आपके एग्जाम्स रहने वाले, चाहे वो SBI क्लर्क प्री है जो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने, इस बात का तो ऑलमोस्ट मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने RBI असिस्टेंट प्री जिस प्रकार दिया है उसी तरीके से अगर इन स्टूडेंट्स ने SBI क्लर्क प्री को अटेम्प्ट किया है और उतने अच्छे से अटेम्प्ट अगर किया है तो उनका 100% SBI क्लर्क प्री 2020 क्लियर होगा। स्टैट्स है ये, मेरी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है या खुद की फीलिंग्स नहीं है, ये एक बेसिक स्टैट्स है कि अगर आप उतना ही अच्छा SBI क्लर्क प्री में अगर स्कोर कर पा रहे हैं, उतने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं तो आपका 100% SBI क्लर्क प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि RBI असिस्टेंट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है SBI क्लर्क की वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है SBI क्लर्क की वैकेंसीज, तो आपका सिलेक्शन होना तो ऑलमोस्ट श्योर है। इसके अलावा सिर्फ SBI क्लर्क प्री के लिए नहीं, आगे जितने भी बड़े एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं छोटी वैकेंसीज के बारे में बात नहीं कर रहा पर जो बड़े एग्जाम्स हैं जिनमें वैकेंसीज अच्छी खासी रहती है, जैसे आपके IBPS के एग्जाम्स है, SBIPO रहा, बाकी वैकेंसीज में भी आपको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए खुद में कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, इतने RBI असिस्टेंट में इतना अच्छा अगर आप स्कोर कर पाए हैं तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे के प्री के एग्जाम्स में भी आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए क्या करना है, अगर SBI क्लर्क प्री भी आपने इसी तरह से किया है तो आई होप आप सभी मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यार रिजल्ट आते आते महीना एंड हो जाएगा, मतलब मार्च एंड तक जाके आपका रिजल्ट आएगा, तब जाके प्रिपरेशन का मत सोचिएगा, बहुत बड़ा वेस्ट होगा आपके टाइम का, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और टाइम का बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा। मेंस की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब मेंस का आपको ऑलरेडी पता है, मेंस का अब मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से करना है। आई होप आप सभी ने SBI क्लर्क प्री, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने RBI असिस्टेंट में इतने अच्छे स्कोर किए, उन्होंने SBI क्लर्क का भी एग्जाम दिया, वहाँ पर भी मुझे पूरी उम्मीद है उन्होंने इसी तरह से बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया होगा,
अब आई होप आप सभी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब मेंस के लिए हमने ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, रीजनिंग की डेली आपकी 8 बजे क्लास रहती है 8 PM पे, और क्वांट्स की, मैथ्स की डेली आपकी कब रहती है 9:15 पे, 9:15 पे रहती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो SBI PO की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, वो भी बहुत अच्छा स्टेप है। मेंस की तैयारी करते करते काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो SBI PO पे भी फोकस कर रहे हैं, तो PO के लिए सबसे पहले प्री की तैयारी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स। ये ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो SBI क्लर्क में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ज़्यादातर इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो SBI क्लर्क प्री में उतना अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनको मैंने वैसे पहले भी एडवाइस दिया था, फिर से मैं एडवाइस दूंगा कि अब आपके पास अपना स्कोर आ गया, देख लीजिए कहाँ आपने कितना लैक किया। अब मान लीजिए आपको लगा हो कि सर हमने अटेम्प्ट तो 90+ किया था पर स्कोर 80 से भी कम गया या 80 के अराउंड गया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि अटेम्प्टेड और स्कोर्ड जो मार्क्स हैं उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। सेक्शन वाइज थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि यार कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको टारगेट करते हुए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि SBI PO की भी जो नोटिफिकेशन है एक्सपेक्टेड है कुछ समय में आ जाना चाहिए, इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, पर क्योंकि अब आपको पता है अपने जिस तरह का माहौल, जो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है COVID-19 को लेके, हो सकता है चीज़ें डिले हो, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, पर अगर एक्सपेक्टेड के हिसाब से जाएं तो मार्च में आपकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं SBI PO प्री 2020 को अभी से टारगेट करते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। आपको ऐसा लग रहा है सर क्लर्क प्री में जितना सोचा था उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, आरबी असिस्टेंट में भी जितने मार्क्स की ज़रूरत थी उतने मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। और इसके लिए ही, इसी के लिए जस्ट अभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नया कोर्स लॉन्च किया है, और इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग का टाइम आपका शाम को 5 बजे रहता है 5 PM पे, और क्वांट्स की जो आपकी क्लास रहती है अब वो आपकी रहती है 6:15 पे, 6:15 पे रहती है। दोनों ही अच्छी क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अच्छे से अटेंड करें, ठीक है। अब ये दो चीज़ों पे आप फोकस कर लीजिए अच्छे से, SBI क्लर्क मेंस और SBI PO प्री 2020 दोनों के लिए आपके क्लासेस चल रहे हैं। और जो RBI असिस्टेंट प्री जो क्लियर कर चुका है उसके लिए भी ये मेंस की क्लास बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आरबी असिस्टेंट मेंस और SBI क्लर्क मेंस दोनों को टारगेट करते हुए ये दोनों सेशंस हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कट ऑफ का जो सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ कब तक पता चलेगा, कट ऑफ का भी आइडिया नहीं है सर, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें कट ऑफ नहीं बताई गई थी, और कट ऑफ के लिए अब आप परेशान मत होइए। देखिए मेरी बात अगर आप माने तो कट ऑफ के लिए अननेसेसरली आप परेशान मत होइए। मैंने उन सभी कैटेगरीज का बता दिया जिनका अच्छा स्कोर आया सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका भी बता दिया, जिनका अच्छा स्कोर भी नहीं आया और सिलेक्शन भी नहीं हुआ उनके लिए भी बता दिया। वो गाइडलाइंस वो स्टेप्स फॉलो करें बजाय कट ऑफ के लिए अननेसेसरी वरी करने के, कब आएगी कैसे आएगी कितनी है। अब आपको उसको नहीं देखना है, आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया, अपने स्कोर देख लिए, अब आप बस उसके रिगार्डिंग एनालाइज करो और आगे बढ़ो। आरबीआई असिस्टेंट जो है बहुत ही कम वैकेंसीज थी, अगर आप 85 या 90 के अराउंड अगर आपका स्कोर है उससे प्लस स्कोर है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, मत टेंशन लीजिए, कॉन्फिडेंस उससे डिराइव कीजिए, पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल लीजिए वहाँ से कि अब आने वाली जो या वैकेंसी जो चल रही है, इसके अलावा जैसे SBI क्लर्क है उनमें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स या फिर उससे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो उनमें तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही एनालिसिस है आपकी तरफ से, तो उसी पे फोकस कीजिए, कट ऑफ के लिए परेशान मत होइए। और सभी से रिक्वेस्ट है यार अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर ना जाए, घर पे आराम से बैठ के ऑनलाइन आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये ऐसा टाइम है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बनता है दोस्तों, सिर्फ खुद के लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितनी जल्दी फैलता है ये, कितनी जल्दी फैलता है, तो इसके बजाय हम प्रिकॉशन लें और आप अपनी फैमिली से भी शेयर करें कि आप लोग भी प्रिकॉशन लें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी सभी के सभी सेफ रह पाएंगे, ठीक है। और तैयारी की टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, हमारी क्लासेस डेली हो रही है, डेली आपके लिए सेशंस ला रहे हैं, बाकी भी आप कहीं और सोर्सेज से देखते हैं वो भी डेली ला रहे होंगे, तो घर पे अपने सेफ एनवायरनमेंट में, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी जान लगा दीजिए, ठीक
ठीक है। अब जाने से पहले फिर से वही सेम रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।